Hello viewers, welcome back to DDK Bioworld, education, vlogs, entertainment and much more. तो DDK Bioworld का caption change हो ही गया है, तो शायद कोपा के वजह से ये possible हुआ है. तो आज हम आप लोगों के लिए पहला vlog बनाने ही वाले थे, पर बनाने से पहले I think घर में ऐसा ऐसा बातें हम लोग discussion में किए हैं और कुछ पापा से बात करने के लिए मिला है. तो बहुत सारा बातें हैं जो अभी हम आप लोगों से हमारा आवाज़ में शेयर करने से अच्छा है कि उन्हीं का आवाज़ में सुन लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने चुप चुप के उनसे कुछ वीडियोस भी निकाल दिए हैं. तो ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रहेगा, इसलिए हम तैयार भी नहीं हो पाए हैं और हम तो अभी एक कप का चाय एंजॉय करते रहेंगे. तब तक आप लोग पापा ने जो भी बातें शेयर किए हैं वो सब सुनते रहिए, बहुत काफ़ी अच्छा बातें हैं और हम तो सुन सुन के बहुत थक गए हैं लग रहा है. चलिए वीडियो शुरू करते हैं. 25 मिनट के यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी 100 है, हमारे यहाँ सुधार की आवश्यकता है. मूलतः हमारे यहाँ 4 ही था और अभी भी 4 है, जड़ में 4 है. क्या है 4? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 हमारे यहाँ वर्ण है. अब इस वर्ण में विकृति आ गई बाद में चल करके. जैसे अब लोग बताया, हमारा जो वेद पुराण है उसमें है कि ब्राह्मण जो है ये शरीर का, ये एक शरीर में ही आप देख सकते हैं चारों. तो आप समाज में कैसे चारों, जब शरीर बिना 4 के नहीं चल सकता तो समाज कैसे बिना 4 के चल सकता है. तो शरीर में है जैसे कि ब्राह्मण हो गए, फिर सिर क्या है, ये सोचता है, ये निर्देश देता है, अच्छी बातें लोगों को यहीं से आती है चारों तरफ. तो ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना. आप दोनों कर्म से ब्राह्मण है. जात कोई चीज नहीं है, जाति व्यवस्था हमारे यहाँ बाद की बनी हुई है और ये जाति व्यवस्था दृढ़ नहीं है, ये इसमें बहुत लचीलापन था. एक ये हो गया आपका ब्राह्मण धर्म हो गया, जो भुजा है जो पालन पोषण करता है ना, ये काम करता है, रक्षा करता है शरीर की, वो है क्षत्रिय. अगर हमको कोई मच्छर काटना है तो भगा दिए, कुत्ता काटने आया तो एक डंडा मार दी भगाए, कुछ भी शरीर में गंदगी हो गई तो उसको साफ कर दिए, ये सब काम हाथ का है. तो हाथ का काम है शरीर में, यही क्षत्रिय का काम है. समाज में कोई कुरीति विकृति कुछ आता है, कोई विदेशी आक्रमण किया, कोई कुछ किया, तो उसे रक्षा करना है जो युद्ध करता है. अभी हमारे यहाँ सिपाही और सैनिक जो हैं वो क्षत्रिय हैं, यही विदेशों में भी हैं. विदेश में भी पढ़ाने वाले हैं ना, टीचर, लेक्चरर, टीचर या जो भी कहीं इंस्टीट्यूशन में कहीं पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो ब्राह्मण है ना. और जो वहां के सेना सिपाही जो काम कर रहे हैं, लोग जो राजकाज चलाने में, जो कहीं बैठ करके ऑफिस में भी सरकारी पदाधिकारी महात्मा या कोई बिजनेस संस्थान है उसमें बैठ करके ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं, वो क्षत्रिय हैं ना, वो संचालन का काम कर रहे हैं. इसके बाद ये जो पेट है ये वैश्य है, ये पालन पोषण करता है, ये इसमें खाना आता है तो यहीं से खून बनता है, चारों तरफ जाता है ना. तो ये बढ़िया वर्ग है, व्यवसाय व्यवसायी लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो व्यवसायी है. ये पूरे वर्ल्ड में ये व्यवस्था है, लोग मजाक बनाते हैं हमारा. हम बहुत पहले जान गए थे कि ये 4 वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए समाज में, तभी समाज चलेगा, तभी देश का विकास होगा. इसी को एडॉप्ट किया. पहले तो लोग जंगल में थे, पेड़ का छाल लपेट करके खाते चलते थे, जानवर को मार मार करके ना. सभ्यता का विकास हमारे यहाँ से हुआ, लोग खोजते चलते थे कि भारत किधर है, जब नील खुली तो पता करने चले कि इंडिया किधर है. कोई वेस्ट इंडीज नहीं पहुंच करके बोला कि तो पश्चिम का इंडिया है ना, कोई इंडिया में आया ना तो पहुंचा तो इसको इंडिया बोला. तो इस तरह से ये चारों चरण, 4 वर्ण व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में लागू है. लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है वो कहते हैं कि ये हिंदू तो बटे हुए हैं जाति में और वर्ण में. और ये है शूद्र, पैर जो है शूद्र है, शूद्र सेवा का काम करता है. अभी आपके यहाँ जो सफाई कर्मी जो है, जो स्वीपर है या जो पानी पिला रहा है, जो और गाड़ी चला रहा है, जो ये सब जो सेवा का काम कर रहे हैं, जो हल जोत रहे हैं, जो बाउंड्री बना रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो सब शूद्र की श्रेणी में है. शूद्र के नाम से आदमी नफरत करता है ना, शूद्रों से नफरत करता है. लेकिन हम शरीर में अपने इस शूद्र से नफरत नहीं करते, इसको धो करके पैदावा पहन करके जूता में डालते हैं,
तो हमको पता है कि मेरे शरीर का ये मेन अंग है, उसी तरह से हमको पता होना चाहिए कि हमारे समाज का मेन अंग है, उसकी भी सुरक्षा के लिए हमको वैसा ही प्रयास करना चाहिए जो हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो विरोध करता है, कभी कभी विद्रोह करता है, कभी संगठित होकर के नारा लगाता है। जब भी कहीं आप जाते हैं या हम जाते हैं तो हमारा क्या होता है, ऐसे पैर छू करके यहां लगाते हैं वो, देखें प्रणाम करने का, यहां से कौमुदी किसी का, ऐसे तो कोई नहीं गया घर में, गया और जाकर के बोला कि प्रणाम, ऐसे तो नहीं किया, ऐसा किसी ने नहीं किया। बहुत नीचे गिरे अंग्रेज लोग तो यहां ऐसे करते हैं, लेकिन माथा तो कोई नहीं टकराता, पैर को सम्मान देता है, क्योंकि वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, ये नहीं करता है ज्यादा। आपको यहां से कहीं भी ले जाएगा, लेटरिन में भी ले जाएगा, बाथरूम में भी ले जाएगा, पूजा घर में भी ले जाएगा, स्कूल में भी ले जाएगा, तो यही ले जाएगा, इसलिए इसको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए। वो खेती बाड़ी कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, सब कर दे रहा है, कुर्सी बना दे रहा है, कुर्सी ला के रख दे रहा है, कोच दे रहा है, तब उस पर विराजमान हो जा रहे हैं, उसको लात से मारने के बाद उधर जाए इधर मत घुस, उसको ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए ना। वो शूद्र बनाया हुआ ऊपर वाले का है, उसी ने बनाया वो काम, उससे आप वो कर रहे हैं, उससे आपकी सहूलियत हो रही है, लेकिन उसको ना तो उचित मजदूरी दे रहे हैं, ना उचित सम्मान दे रहे हैं। हमारे धर्म में ये है, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग धर्म को विकृत कर दिए, खा ले रहे हैं अपने मन कुआ खाने। ब्राह्मणों ने क्या किया, जो यहां बैठे हुए थे, जिनको सिर पर हमने बैठा के रखा था, उन्होंने गुमराह किया, इसलिए उसका कभी कभी क्षत्रिय विरोध करते हैं। दो बार विरोध किया किसने, महावीर ने किया और बुद्धा ने किया, और अब विरोध की बागडोर मेरे हाथ में है, क्षत्रिय विरोध करते हैं उसका ब्राह्मणों का, इसलिए कि ब्राह्मण क्या करेंगे, तो जाएंगे किसी के गरीब के घर में पूजा कराने, तो वो रोटी और सब्जी देगा तो नहीं खाएंगे, बोले कि छुआ जाता है, पूरी छानो, ब्राह्मण क्या खाते हैं, पूरी पुआ, क्योंकि कच्ची में छूत लगता है, हमारे यहाँ पंडित कच्ची नहीं खाते किसी के घर में, बात लाल तरकारी नहीं खाएंगे, तो उनको पूरी पुआ चाहिए, मालपुआ चाहिए, दूध चाहिए, बढ़िया बढ़िया चीज चाहिए। उसका नतीजा क्या होता है कि इनका पेट ऐसे निकल जाता है और उसका पेट पिचका रहता है, इनको डायबिटीज हो जाएगा, वो ठीक रहेगा। आप बिना परिश्रम के आप खा ले रहे हैं, शोषण कर रहे हैं समाज में। तो चार वर्ण था हमारे यहां, समझ गए, ये वर्ण है और ये चारों वर्ण पूरी दुनिया में है, कहां लेबर क्लास नहीं है, किस देश में नहीं है, हमारे देश में भी है। तो हम जाति व्यवस्था के हम हैं, ये वर्ण व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के हम समर्थक हैं, दूसरे लोग मजाक बनाते हैं, लेकिन वहां क्या होता है कि एक मैकेनिक अगर बढ़िया मैकेनिक है, आर्थिक दृष्टि से ठीक ठीक है, तो लेक्चरर के यहां शादी कर सकता है, हमारे यहाँ एक लेबरर क्लास का आदमी हमारे यहाँ शादी नहीं कर सकता, ये गलत है। वो आर्थिक दृष्टि से ऊंचा उठेगा तो कर सकता है, लेकिन क्या, तो वो तो है दुसाद, वो है चमार, कैसे करेगा, तो चमड़ा का काम कर रहा है, चमड़ा का काम बाटा कर रहा है, तो रिलायंस यहां शादी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जूता बनाता है चमार गांव में बैठ करके, तो मेरे यहां शादी नहीं करेगा, क्योंकि चमार है, हम तो राजपूत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा है भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, धीरे धीरे टूट रहा है ये। तो वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो रामायण काल में थी, महाभारत काल में थी, सब समय में वो था। ये वर्ण व्यवस्था बिगड़ा कब, जब यहां मुगलों का शासन हुआ, जब मुगल आए, हमारे यहां लड़कियों की शादी कैसे होती थी, लड़कियों का सम्मान समाज में सबसे ऊपर था, लड़की को कन्या रत्न बोलते थे, कन्या की पूजा होती थी, नवरात्र में कन्या को पूजते हैं, लोगों को खिलाते हैं, कुछ वस्त्र वस्त्र दे करके, गिफ्ट दे करके, छोटी छोटी लड़कियों का बधाई करते हैं। अब बाद में क्या होने लगा कि अगर बेटी हो गई पेट में तो गर्भपात कराने लगा लोग, क्यों, क्योंकि नाक कटने का डर था, कन्या के हो जाने से भविष्य में मेरी नाक कट सकती है, कैसे, तो मुसलमान उसको उठा करके ले जाते, लड़की जब सुंदर हो जाती, लंबी बड़ी हो जाती ना, उनका हरण हो जाता, इसलिए डर के मारे उसका लोग बाल विवाह कर देते थे, बचपने में विवाह कर देते थे कि विवाहित कन्या से नहीं ले जाएगा, पर्दा में रहेगी, अपना जिसके घर में रहेगी वो अपना संभाल के रखेगा, आप बेटी को तो हम पर्दा में नहीं ना रखेंगे,
बेटी तो निकलेगी घर बाहर, उनको देखेगा सारा मियाँ। क्योंकि एक समय जब मुसलमान जब यहाँ आक्रमण किए थे तो कितने हिंदुओं को काट दिए थे, क्योंकि हिंदू तो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं चलते थे। अब मुसलमान आए तो युद्ध के लिए ही आए उधर से, इधर जाकर के पूरा क्या गजवाए हिंद करेंगे, पूरा हिंदुस्तान को ये कर देंगे, शासन करेंगे, कर नहीं पाए हालांकि। लेकिन बहुत जगह तो आंध्रा उन्द्रा में तो हैदराबाद इस समय तो बढ़ गए मुसलमान, उधर जिधर से घुसे उधर भर गए, उस तरफ से भर गए, इधर नहीं आ पाए। बीच में इधर कुछ राजपूत जातियां मजबूत थी, मार के भगाई बहुतों को, लेकिन जहां उन लोगों का चला वहां फैल गए मुसलमान। तो लड़की के उसी समय से अभिशाप समझने लगा कि लड़की हो जाएगी तो सलाह बेइज्जती है, लड़का को कोई ले कैसे जाएगा, लड़का के बहुत होगा। कैसे लगा व्यूअर्स वीडियो? हमको पता है कि आप सब कोई को पसंद आया होगा कभी कभी, लेकिन बड़े लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग सोचते भी नहीं है वो सब सीखने के लिए मिलता है। एक्चुअली टू से ह्यूमन लाइफ में हर कोई कॉन्स्टेंट लर्नर्स ही रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा सीखना ही चाहिए। लेकिन एक वीडियो में हम लोगों का पूरा डिस्कशन का बात करें तो एक दो घंटा लग जाएगा, तो एक वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। उसमें से अब हम पहले सुनेंगे कि क्या क्या वीडियोस मम्मी जी रिकॉर्ड की है और उसमें से क्या आप तक हम पहुंचा सकते हैं। तो वही जो ठीक से सुनाई दे रहा हो, ठीक से रिकॉर्ड हुआ हो, वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि चुप चुप के रिकॉर्ड करने की वजह से वीडियो ऐसे ही नेचुरल आया है। हमको पता है कि आप लोगों को ऐसा नहीं लगा होगा कि घर में जैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे वही हम लोग रिकॉर्ड किए हैं। और जब हम लोग को बहुत बार लगता है कि ये सब बातें सबको पता चलना चाहिए ताकि हमारा इंडिया भी कुछ अच्छा रहे, हर किसी का दिमाग में कुछ नया सोच भी आए, तो इसीलिए। लेकिन हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए थे पापा से कि बोलिए, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है, किसी किसी को रहता है, मतलब बोलते हैं कि आप लोग बताओ, हम आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो इसीलिए शायद इस बार हम लोग कुछ नोटी काम कर ही लिए हैं, लेकिन ये काफी इन्फॉर्मेटिव है, ये सब जानना भी चाहिए, ध्यान से सुनना भी चाहिए। तो देखते हैं कि और कुछ वीडियो अगर अच्छा रिकॉर्ड हुआ होगा तो वो वीडियोज भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो आप लोग का काम क्या है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स का जरूरत है, लाइक्स का भी जरूरत है। और अब की पता चल गया होगा कि डीडी के बायो वर्ल्ड क्या बन गया है। डीडी के बायो वर्ल्ड में आप लोगों को मिलेगा एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, व्लॉग्स एंड मच मोर। तो इसीलिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिले। बाय गाइस, फिर मिलते हैं।